morning students. Today we'll start hepatic portal system. In my last lecture, I was telling you about the systemic and the pulmonary circulation. After this, we are having a next topic, that is hepatic portal system. This is again very, very, very important. So in this system, what happens that you know that all the veins, I have already told you in the circulation that whenever all the veins collect, they move to the posterior vena cava from the lower body side. मतलब नीचे की बॉडी से जो जब ब्लड वापस आ रहा होता है विद द कैपिलरीज, तो व्हाट हैपेंस, दे आर पोरिंग देयर ब्लड टू द पोस्टीरियर वेना केवा. और पोस्टीरियर वेना केवा कहाँ पे, आपके हार्ट में. तो पोस्टीरियर वेना केवा में अभी यहाँ से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम काय के लिए, दैट यू आर हैविंग स्टमक एंड इंटेस्टाइन. सो स्टमक एंड इंटेस्टाइन डू नॉट डायरेक्टली पोर देयर ब्लड टू द पोस्टीरियर वेना केवा. जो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना ब्लड जो है वो डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में नहीं भेजते हैं. इम्प्योर ब्लड होता होगा CO2 वाला, विच इज़ कैरिंग CO2, दे डू नॉट सेंड इट टू द पोस्टीरियर वेना केवा. इंस्टेड दे सेंड इट टू द लीवर फर्स्ट, एंड सेंडिंग टू द लीवर दे नीड हेपेटिक पोर्टल वेन फॉर दैट. So you have to remember that the blood from intestine and stomach is not directly going to the posterior vena cava. Instead, it is going to the liver first. And liver में जाने के लिए उसको जो system चाहिए होता है, that is called hepatic portal system. This question has many times come in exam. So I am emphasizing on that. Make it very clear that stomach and intestine do not pour their blood directly to posterior vena cava. They pour it first to the liver. और liver में जाने के लिए उसे क्या चाहिए, hepatic portal vein चाहिए. तो hepatic portal vein क्या होती है, ये एक ऐसा system है जो क्या करता है, पहले यहाँ से बहुत सारी capillaries में divide होता है, और capillaries में divide होकर liver में जाता है, और liver में भी बहुत सारी capillaries में divide होते हैं. मतलब ये अंदर आते हुए भी capillaries में है, जब बाहर जा रहा है तो भी capillaries में है. तो capillaries में जाके फिर ये hepatic vein बनाता है. So I mark this with an arrow that from stomach and intestine, ये आपका stomach हो गया, इधर इधर intestine, यहाँ से ये दोनों के दोनों blood जो हैं liver में आ रहे हैं पहले, और liver में किससे आ रहे हैं, hepatic portal vein से आ रहे हैं. और इसके बाद this liver will send the blood to the hepatic vein, और hepatic vein के बाद जाएगा ये posterior vena cava में. Are you getting my point, what I am saying, that first stomach and intestine को वैसे तो अगर आप नॉर्मल बॉडी के सारे फंक्शनिंग में देखें, तो कायदे से स्टमक और इंटेस्टाइन को डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में भेज देना चाहिए था ब्लड, लेकिन वो वहाँ नहीं जाता है. इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, इट गोज़ टू द लीवर फर्स्ट, और लीवर में जाने के लिए उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम चाहिए. तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, ये जब लीवर में ब्लड को भेज देता है इन दोनों से, उसके बाद क्या होता है ना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो वेन है, मतलब वेन है यहाँ पे, ये सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है लीवर में, और बाहर आके भी कैपिलरीज होती हैं. देन दे अगेन रीजॉइन टू फॉर्म द हिपैटिक वेन. ओके, सो हियर द कैपिलरीज आर स्टार्टिंग इन द लीवर, एंड अगेन इट इज एंडिंग इन द कैपिलरीज. तो उसके बाद ये हिपैटिक वेन बनाता है, और हिपैटिक वेन लास्ट में पोस्टीरियर वेना केवा में ब्लड को भेज देती है, और पोस्टीरियर वेना केवा से इट विल गो टू, मीन्स इट इज इन द हार्ट ओनली. नाउ द ब्लड विल डायरेक्टली गो टू द हार्ट. सो द डेफिनेशन ऑफ हिपैटिक दिस पोर्टल वेन इज द वेन दैट स्टार्ट्स विद द कैपिलरीज एंड एंड्स विद द कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन, है ना. तो जो मतलब कैपिलरीज से स्टार्ट हुई है और कैपिलरीज पे ही एंड हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. दैट द हेपेटिक पोर्टल वेन मींस हेपेटिक वेन इज द वेन व्हिच स्टार्ट्स विद द कैपिलरीज एंड एंड्स विद द कैपिलरीज. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन पोरिंग देयर ब्लड डायरेक्टली टू द लीवर. दे आर नॉट पोरिंग देयर ब्लड टू द पोस्टीरियर वेना केवा, इंस्टेड दे आर पोरिंग द ब्लड टू द लीवर. सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस. द रीजन इज दैट स्टमक एंड इंटेस्टाइन बोथ आर हैविंग द डाइजेस्टेड फूड, एंड दैट डाइजेस्टेड फूड इज हैविंग लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट. देयर इज एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा लिपिड्स, एक्स्ट्रा फैट्स. देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड बिकॉज यू हैव ईटन लॉट ऑफ थिंग्स.
तो ऐसा तो है नहीं कि आप जितना खाएंगे वो सारा ब्लड में चला जाएगा, है ना। तो ब्लड को क्या करना है, अपना कॉम्पोजिशन बैलेंस करके रखना है। तो वो बैलेंसिंग के लिए स्टमक और इंटेस्टाइन पहले क्या करते हैं, ब्लड को लीवर में भेजते हैं। अब लीवर क्या करता है ना, जितना एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ब्लड में, अगर आपने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाया है, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स खाए हैं, तो ये सब नहीं भेजने हैं हमें ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। हमें सिर्फ उतना भेजना है जितना रिक्वायर्ड है। तो वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा बचा होता है ना, वो लीवर अपने पास रख लेता है। वॉट एवर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज़ देयर, एक्स्ट्रा प्रोटीन इज देयर, एक्स्ट्रा लिपिड्स आर देयर, वॉट एवर एक्स्ट्रा इज देयर, दैट इज स्टोर्ड इन योर लीवर। और उसके बाद जितना ब्लड जो होता है, ब्लड के कॉम्पोजिशन में जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना लिपिड चाहिए, ओनली दैट इज गोइंग टू द हेपेटिक वेन। मीन्स वन टाइप ऑफ हाफ ऑफ द फिल्ट्रेशन हैज बीन डन बाय लीवर। लीवर हैज ओनली सेंड दोज एंड द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट दैट इज रिक्वायर्ड इन योर ब्लड। मीन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड नीड्स वट एवर कॉम्पोनेंट्स इन वट एवर अमाउंट दैट हैज बीन सेंड बाय द लीवर। आपकी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को जितने जितने कॉम्पोजिशन में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो भेज दी है लीवर में, ठीक है। और बाकी चीज़ें मतलब उसमें अपने पास रख ली हैं। अब इसमें CO2 भी चला जाता है, तो CO2 जो है वो लीवर ने नहीं फिल्टर आउट करना है। CO2 को फिल्टर करने का काम किसका है, लंग्स का है। तो लंग्स अब कौन करेगा, हेपेटिक वेन से यहाँ चला जाएगा पोस्टीरियर वेना केवा में, पोस्टीरियर वेना केवा से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से आपके लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। दैट सर्कुलेशन यू नो, ठीक है, फ्रॉम हार्ट इट इज़ गोइंग टू द लंग्स एंड देन इट इज़ प्योरीफाइड देयर, मीन्स द CO2 इज गिवन देयर इन द लंग्स एंड O2 इज गिवन, मीन्स टेकन बैक एंड देन इट इज़ अगेन इन द सर्कुलेशन ब्लड। ओके, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दैट, यू नो दैट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका स्टमक और इंटेस्टाइन डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में नहीं भेज रहा है, इंस्टेड इट इज सेंडिंग टू दिस लीवर फर्स्ट। सो लीवर एक आपका ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या करता है, उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ अ एक्स्ट्रा थिंग्स। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आपकी यहाँ स्टोर होती हैं। और लीवर को क्या होता है, जब कभी भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो लीवर क्या करता है, इट स्टोर्स द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब वो संभाल के रखता है उसको। और कभी भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इट विल रिलीज एनर्जी फॉर यू। ओके, तो लीवर आपका, और लीवर का एक और मेन काम है, कभी कभी क्या होता है कि अनोइंगली इन योर फूड इफ़ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज आर देयर, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, या कोई मीन्स अ पॉइजनस थिंग इज देयर, हार्मफुल थिंग्स, तो वो पॉइजनस चीज़ भी कई बार लीवर क्या करता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है। डिटॉक्सीफाई मतलब उसका जहर ख़त्म करके उसको अपने पास जो है रख लेता है, और उसको बाद में डिटॉक्सीफाई कर लेता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आती है उससे। सो लीवर इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सो यू शुड मीन्स इट्स एडवाइस दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर लीवर। डू नॉट टेक वेरी हैवी डाइट बिकॉज दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट योर लीवर। आप जितना एक्स्ट्रा खाना खाएंगे उसने जाते हुए पहले लीवर के पास ही जाना है, तो आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा लोड क्या होगा, लीवर पर पड़ेगा। ओके, सो दिस वॉज द थिंग। नाउ नेक्स्ट, यू आर हैविंग heart from this, these are some of the arteries and veins given, this you have to see आपके heart में कौन सी enter कर रही हैं। तो enter करने के लिए मैंने बताया था anterior vena cava, this is coming from the upper parts of the body, ये आपके सिर से आती हैं और आपके heart में impure blood को लेके जाती हैं। then posterior vena cava, it is coming from the lower parts, then pulmonary veins, these are coming from each lung into the left atrium, ये आपके क्या कर रही हैं, ब्लड को वापस लेके आ रही हैं लंग्स से, ठीक है, लंग से लेके आ रही हैं और ये आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। देन नेक्स्ट इज़ योर पल्मोनरी आर्ट्री, पल्मोनरी आर्ट्री इट इज़ फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये राइट वेंट्रिकल से क्या कर रही है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी। और उल्टा क्या करता है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन लीवर, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हेपेटिक आर्टरी की बात हो रही है, नॉट वेन। ओके, तो आर्टरी जो है फ्रॉम ओरोटा टू द लीवर, ओरोटा से लीवर में आ रही है ये पहले, ठीक है। फिर हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से लीवर में आ रही है, हेपेटिक पोर्टल वेन फ्रॉम स्टमक, ये अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। देन दिस इज़ द ब्लड वेसल लीविंग द लीवर, लीविंग मतलब लीवर को जो बाहर निकल रही है, दैट इज़ हेपेटिक वेन।
फ्रॉम लीवर इंटू पोस्टीरियर वेना केवा, ये लीवर से डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में जाएगी. देन फ्रॉम किडनी, ब्लड वेसल्स एंटरिंग द किडनी, ये आपकी रीनल आर्टरी होगी. जहाँ भी किडनी की बात होगी वहाँ पर रीनल वर्ड जरूर आएगा. सो रीनल वर्ड विल मीन्स दिस विल सिग्निफाई द रीनल आर्टरी फ्रॉम द किडनीज. तो ये अरोटा से डायरेक्टली किडनी में लेके आता है, और जो आपका ब्लड वेसल है जो लीव करता है किडनी को, दैट इज रीनल वेन. ओके, सो दिस होल यू हैव टू लर्न. दिस अगेन कम्स इन एग्जाम for 1-1 marks, that which of the vessel and which of the vein and artery is leaving and coming from which organ. Okay, now next one is your pulse. So pulse is like you have seen the doctor touching here on your wrist when you are having fever or something. तो जो डॉक्टर यहाँ पे छूता है वो छू के क्या करता है, actually he is counting, indirectly he is counting your heartbeat. आपका हार्ट कितनी तेज बीट कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कितना हो रहा है ना. तो आपकी ये आर्टरी होती है और यहाँ पे ये इट इज़ गोइंग टू द थंब, इट इज़ इन अ पिक्चर ऑल्सो इन योर बुक. सो यहाँ पे ये जो आर्टरी होती है इट इज़ एक्चुअली इनडायरेक्ट काउंटिंग ऑफ योर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. तो डॉक्टर्स हमेशा क्या करते हैं, पल्स यहाँ से छू के पता लगा लेते हैं कि आपका हार्ट बहुत तेज़ बीट तो नहीं कर रहा है ना. योर नॉर्मल हार्ट बीट इज 78 पर मिनट, मतलब आपके हार्ट को बीट कितना करना चाहिए, 78 बीट्स पर मिनट है ना. पर मिनट मींस इन 1 मिनट 78 बीट शुड बी देयर. सो इफ देयर आर नॉट 70 बीट्स, अगर उससे ज्यादा हो रही है तो इट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द इलनेस. ओके, यू आर हैविंग सम ऑफ द प्रॉब्लम. और अगर इससे कम है देन ऑल्सो योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल वन. अगर हाँ 78 से 80 हो जाती है, 85 वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज समटाइम्स आप कभी भाग के आ रहे होते हैं, कभी आप बहुत तेज चल के आ रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है. 75 हो सकता है, 71, 85, ये इतना 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, दैट डजेंट मैटर. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ट बीट है, 90 हो गई है, 100 हो गई है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके, देन वी आर हैविंग ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर अगेन, ब्लड प्रेशर मीन्स वी आर हैविंग द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. द अपर वन इज कॉल्ड द सिस्टोलिक वन. सिस्टोलिक वन मतलब जो आपकी, आई हैव टोल्ड यू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इफ यू रिमेंबर. सिस्टोलिक मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी. कॉन्ट्रैक्ट होती है ना आर्टरीज, और सॉरी ऑरिकल्स. ऑरिकल्स जो होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होकर वो ब्लड क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स में भेजते हैं. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसको अपर लिमिट कहा जाता है ब्लड प्रेशर की. और जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट मतलब वो वापस रिलैक्स हो गए हैं. रिलैक्स होना मतलब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ गए, तो दैट इज कॉल्ड द डायस्टोल. तो जो आपका अपर लिमिट होती है सिस्टोल, दैट इज फ्रॉम 100 to 140. मतलब आपका बीपी जो है अपर लिमिट आती है. इफ़ यू हैव सीन द डॉक्टर्स, दे हैव, दे आर राइटिंग द ब्लड प्रेशर इन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके, तो फर्स्ट वन इज द अपर लिमिट, सेकंड वन इज द लोअर लिमिट. योर अपर लिमिट इज फ्रॉम 100 to 120. तो 100 से 120 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर आना चाहिए अपर लिमिट. उससे ज़्यादा आ रहा है, उससे कम आ रहा है, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. देन लोअर लिमिट इज 60 to 80 है ना. तो 60 से 80 के बीच में आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. अगेन इफ इट इज़ मोर देन दिस, लेस देन 60, देन अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, सो डायस्टोलिक लोअर लिमिट, आई होप इट्स क्लियर. सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रियम है ना, एंड डायस्टोल मतलब जो वो वापस रिलैक्स हो जाते हैं आफ्टर द आफ्टर सेंडिंग द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स. ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन, आई विल रिक्वेस्ट यू. एंड also see the progress check. There are small progress check in between the chapter, so please try to answer them. And please, again I am repeating, please go through the text. Okay, thank you.